वेलकम टू मनीष क्रू। आज 28 अगस्त स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसकी समिति की सिफारिशों को लागू किया और 1.76 लाख करोड़ रुपए का लाभांश और विशेष अधिशेष आरक्षित कोष सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है बिमल जालन की समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत में कितने सीएनजी स्टेशन होंगे? तो भारत में लगभग जो है 10,000 सीएनजी स्टेशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में नई दिल्ली में शुरू हुए 7वें सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का विषय क्या है? तो इस सम्मेलन का विषय है सतत विकास लक्ष्यों के लिए सामुदायिक रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में चरम सीमा के बाद से देश में नए एचआईवी संक्रमण के मामले में कितने परसेंट से अधिक की गिरावट आई है? तो ये गिरावट आई है 80% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हो गया, वह किस देश की पहली या दूसरी जो भी हो महिला आईपीएस अधिकारी थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है ये दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कितने आर्मी गुडविल स्कूल स्थापित किए हैं जिसमें वर्तमान में 14,000 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं? तो ये स्थापित किए हैं 45 आर्मी गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में किस्मत शिक्षा विभाग ने स्कूली छात्रों के लिए 24 घंटे का एक विशेष टेलीविज़न चैनल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने एकीकृत कपड़ा पर्यटन परिषद की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आधारशिला रखी है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फर्डिनेंड पाइज का निधन हो गया, वह किसके पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे? तो वह जो है बॉक्स वैगन एजी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा द्वारा डिप्टी सीएम के रूम में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गोविंद मटकप्पा करजोल को, अश्वथ नारायण सेन को और लक्ष्मण संगप्पा शाब्दी को, यानी कि सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैडबरी डेयरी मिल्क के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया कार्तिक आर्यन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल इंडिया ने कुश्ती चैंपियन किसको अपने व्यावसायिक वाहन स्नेह खंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है बजरंग पुनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में हर साल तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स दिए जाते हैं? तो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं भू एडवेंचर, वायु एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरडी मंत्रालय ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी किस ऐप के साथ भी एकीकृत है? तो ये एकीकृत है उमंग ऐप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 2 पर स्थापित टेरेन मैपिंग कैमरा का उपयोग करके चंद्रमा की सतह को दर्शाने वाली तस्वीरों का एक सेट जारी किया, तस्वीरों में दिखने वाला क्रेटर मित्रा किसके नाम पर है? तो ये है शिशिर कुमार के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में निम्नलिखित में से किसने एक सैन्य वयोवृद्ध रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अमेजन इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में रोजर फेडरर को एक सेट में हराने वाला पहला भारतीय कौन बना है? पहला भारतीय बना है सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं की एकल SL3 के फाइनल में पारुल परमार को हराकर स्वर्ण पदक जीता और पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है मार्शी जोशी ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th।